डिवाइसेस की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे आपको बताया था ये एक सेट होता है जिसमें क्या होता है एलिमेंट्स हम लिख देते हैं, ठीक है, और किस पैटर्न में लिखा जाता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न में लिखा जाता है। से मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू से 1, 2, -1, 0, 3, 4, तो इसमें कितने रोज हो गए, ये डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी डिटरमिनेंट के पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, अभी एक बार और बता देते हैं। तो इसमें कितने रोज हो गए, दो रोज है, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, कितने कॉलम है, 1, 2, 3, तो इसके ऑर्डर को हम क्या लिखते थे, 2×3। ये जो है ये क्या बताता था आपको, नंबर ऑफ रोज, और ये क्या बताता था, नंबर ऑफ कॉलम्स। सबको ये बात तो क्लियर है। इसको शॉर्टकट में हम कैसे लिखते थे, कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे, ऐसे लिखते थे ना, ए आई जे मैट्रिक्स को, ए आई जे जिसमें आई क्या डिनोट करता है उसका रो का नंबर, और जे क्या डिनोट करता है कॉलम का नंबर। तो एम क्रॉस एन अगर लिखते हैं तो इसका ऑर्डर है, तो आई आपका कहां से कहां वेरी करेगा, 1 to m, और जे कहां से कहां वेरी करेगा, 1 to n। किसी को कोई कंफ्यूजन इस बात पे, ठीक है। देखो क्या लिखा हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे कंटेनिंग नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट डज नॉट पोजेस एनी वैल्यू। मैट्रिक्स की कोई भी वैल्यू नहीं है, ये कैसे बिहेव करता है, एक सेट की तरह बिहेव करता है। सबको क्लियर हो गया। तो हम ये 2×3 को या m क्रॉस n को क्या बोलते हैं, m क्रॉस n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का। m इसमें क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। सबको ये बात क्लियर है। i लिखा हुआ है 1 to m, j लिखा हुआ है 1 to n, इसका मतलब भी क्लियर है। इसका मतलब है जो i का नंबर होगा, जो रो का नंबर होगा वो कहां से कहां वेरी करेगा, 1 to n। जे का जो नंबर होगा कहां से कहां वेरी करेगा, 1 to n, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 2×3 ये लिखा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है। अब मान लो मैंने लिख दिया 3×3, इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। बस इसको मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको ना ये नोटेशन क्लियर हो जाए कि ए आई जे का क्या मतलब है। से मान लो हमने लिखा ए 3×3, तो इसको अगर मैं एलिमेंट वाली फॉर्म में लिखता हूँ तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा a11 a12 a13, ठीक है, a21 a22 a23 a31 a32 a33। इसका क्या मतलब हो गया कि ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के एलिमेंट को हम कैसे लिखते हैं, a11 कहने का क्या मतलब हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड सो ऑन। सबको क्लियर है। अब आपको याद होगा ये इसी के लिए आप डिटर्मिनेंट डिफाइन कर सकते हो, उसको आप कैसे लिखते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3×3 भी लिख सकते हो और मॉड ए भी लिख सकते हो, वो किसके बराबर होता था, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। इसकी जो वैल्यू आती थी उसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, इसको लिखने मतलब इसको लिखते इस तरीके से हैं, जो इसकी वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सबको क्लियर हो गया। इस मैट्रिक्स के लिए जो 2×3 है उसके लिए आपका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। सबको ये बात क्लियर हो गई, यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले रो मैट्रिक्स, सुनो भाई सब लोग अब ध्यान से एक बार सुन लो फिर लिखते रहना पैरेलल में। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, कितनी रोज होंगी, एक ही रो होती है। डेफिनेशन क्या है, एक मैट्रिक्स हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं जब उसमें कितनी रोज होती है, 1 रो, ऐसे लिख देते हैं। देखो बताना अभी आप, ये रो मैट्रिक्स है कि नहीं है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको हम रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें एक कॉलम होगा। अब जैसे मान लो आपने लिख दिया -1, 0, 3, 4, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा, कितनी रो है, एक रो है और चार कॉलम है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1×4, ठीक है। कितनी, एक ही रो है इसमें, इसीलिए क्या हो जाएगी, रो मैट्रिक्स हो जाएगी कि नहीं होगी, ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैंने लिख दिया -1, 0, 7, ये इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा, 1×3, ये भी आपके पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। बड़े आसान है अरविंदर तेरे लिए कि रो मैट्रिक्स में क्या होगा, एक ही रो होगी। नेक्स्ट आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा ये हम जोगिंदर जी पढ़ क्यों रहे हैं, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, आपको लगेगा ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आगे चल के क्या होगा, और भी बहुत सारी डेफिनेशन अभी आने वाली हैं। कई बार ना वो क्वेश्चन में यूज कर लेता है कि इट इज अ रो मैट्रिक्स कंटेनिंग एलिमेंट 1, 2, 3, तो अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, आप बैठे रहोगे, तो क्वेश्चन भी सॉल्व करना है तुझे, इसीलिए ये सब डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ आपको बहुत ही आसान लगेंगे, जैसे मान लो हमने लिख दिया
माइनस थ्री वन क्रॉस वन, ये कॉलम मैट्रिक्स है कि नहीं है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का क्या मतलब है, कितने कॉलम होंगे हर्षित जी? एक ही कॉलम होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने लिख दिया 7 3 4 5, हाँ भाई हर्षित जी इसका ऑर्डर क्या होगा? 4 क्रॉस 1। तो इसमें कॉलम कितने हो गए तेरे पास? एक ही कॉलम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी मैट्रिक्स जो देखने में आपको हॉरिजॉन्टल लगे उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो जैसे मान लो आपके पास ये मैट्रिक्स है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वाली मैट्रिक्स क्या है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, आपके नंबर ऑफ कॉलम्स रोज से क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो अगर मैं कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूं ए आई जे एम क्रॉस एन, जिसमें एन ग्रेटर देन एम है, उसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सबको ये बात क्लियर हो गई? अब जैसे ये है हमारे पास 1 2 3 -1, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नहीं है, दिस इज नॉट अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देते हैं, -1 0 3 4, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से क्या होंगे? ज्यादा होंगे। किसी को दिक्कत इस बात पे? देखो भाई वर्टिकल मैट्रिक्स, ये वाला जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये क्या होगा? वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? 4, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? जैसे 2 है इस केस में। तो आपको ये समझ आ रहा है, कोई भी एक मैट्रिक्स उसको हम वर्टिकल कब बोलेंगे? जैसे m क्रॉस n है, तो इसमें m क्या हो? n से बड़ा हो। अगर आपका m n से बड़ा है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। कोई कंफ्यूजन किसी को भी? इसमें अगर m n से बड़ा होगा तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं एक और लिख रहा हूं 3 -1 0 2 4 1 6 5 -1, हाँ भाई ये बताओ, ये तो 3 × 3 स्केयर मैट्रिक्स है, तो इसको हम वर्टिकल नहीं बोलेंगे। वर्टिकल उसी को बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो? ज्यादा हो, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो ये फोर्थ टाइप हो गया आपकी। तो नल मैट्रिक्स को हम और क्या बोल सकते हैं? जीरो मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है? ऐसी मैट्रिक्स, सुनो भाई ध्यान से, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो। बहुत ही सिंपल है ये भी। जैसे मान लो हमने एक मैट्रिक्स लिख दी 0 0 0 0 0 0, क्या ऑर्डर हो गया इसका? 2 × 3, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। और इसको डिनोट किससे कर देते हैं? ओ से, उसके साथ उसका ऑर्डर आप लिख सकते हो। तो नल मैट्रिक्स के लिए जरूरी नहीं है कि उसको स्केयर होना पड़ेगा, कोई भी मैट्रिक्स हो जिसके सारे एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो, उसको क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। जैसे मान लो आपने लिख दिया ओ 3 × 3, इसका क्या मतलब हो गया? इसके 9 के 9 एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे? जीरो होंगे। कोई कंफ्यूजन किसी को भी इस बात पे? ठीक, नेक्स्ट लिख लो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें हम क्या बोलेंगे? A = A = Aij m × n, वेयर m इज नॉट इक्वल टू n। क्लियर है? बहुत सिंपल है ये भी। जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे मान लो आपने बोल दिया 1 -1 0 2 3 -1, तो इसमें ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास? 2 × 3। जैसे अगर हमारे पास b है कोई, ये आपके पास क्या हो गया? 2 × 2। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है? ये तो क्या हो गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, बट ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर है सबको? 2 × 3 हो जाए, 3 × 2 हो जाए, 1 × 4 हो जाए, 1 × 5 हो जाए, 5 × 3 हो जाए, जब भी m और n आपके बराबर नहीं होंगे वो क्या हो जाएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा एक और भी लिख देते हैं डेफिनेशन, स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिसमें m और n बराबर हो जाएंगे। स्केयर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई कैपिटल A इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिख लिया 0 0 1 0 2 0 3 0 0, तो एक स्केयर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये भी एक स्केयर मैट्रिक्स है, ठीक है।
तो ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्लियर है। इसका ऑर्डर कितना हो गया 3x3, इसलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है 4x4, इसलिए ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोई कंफ्यूजन किसी को यहां तक? ठीक है।